उन्होंने बोला कि यार तेरे बेटे तो बहुत कैरेक्टरलेस है यार किसके साथ बात करती रहती है किसके साथ घूमती रहती है कोई फर्क नहीं पड़ता आप दोनों को इतना खराब हुआ सुनने के बाद भी मैं खुद को संभाल नहीं पाया जिस गांव वाले ने मुझे इतना बुरा भला कहा आज मुझे सम्मानित करना चाहते हैं ये कैसे हो गया स्टार्टिंग की थी एटी थाउजेंड से जो मैंने दो या तीन दिन में गवा दिया शेयर मार्केट जुआ है इसमें कुछ नहीं होता है ये पैसा बनाने के लायक नहीं जय जगन्नाथ मेरा नाम संगीता साहू है मैं एक ओडिशा की एक छोटी सी गांव से बिलोंग करती हूँ मैं यहाँ पर आज अपनी लाइफ और शेयर मार्केट के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ बचपन से मेरा जो सराउंडिंग रहा है ना वो मेल डोमिनेट रहा है क्योंकि एजुकेशन की कमी की वजह से लोग ये सोच रहे थे कि एक लड़की कुछ नहीं कर सकती है एक लड़का सब कुछ कर सकता है लड़की का क्या काम है घर संभालना है उसको शादी करना है उसको ऐसा उन उन लोग का सोच रहा है जब मैं छोटी थी ना मुझे डांस करना बहुत पसंद थी लेकिन मेरे घर वालों को ये बात कभी भी पसंद नहीं था क्योंकि उनको लग रहा था एक लड़की जब गाँव से बाहर जाएगी तो लोग बातें बनाने लगेंगे उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने लगेंगे जो कि मेरे घर वालों को दिक्कत होगी क्योंकि उनके इज्जत पे क्वेश्चन आएगा कि यार तुम्हारी लड़की डांस सीखने गई है डांस करने गई है उसने वो कर दिया उसने ये कर दिया तो बहुत सारे सवाल जो मेरे घर वालों को आंसर देना को उनको पसंद नहीं था इसलिए वो मुझे मना कर रहे थे कि तुम कुछ मत कर तो जो पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कर तुझे डांस करना है तो मत कर उनको इसलिए पसंद नहीं था लेकिन मेरे मम्मी ने मुझे इतना सपोर्ट किया बोला कि बेटा तुझे जो करना है ना कर मैं तेरे साथ हूँ आगे बढ़ना है तो बढ़ कुछ भी होगा तो मैं वो संभाल लूंगी तुझे बढ़ना है तो बढ़ मैं तेरे साथ हूँ जिस टाइम पे मेरे मम्मी ने मुझे बेटा करके बोला तभी मुझे समझ में आ गया कि मेरे मम्मी ने मुझे बेटी ने अपना बेटा माना है मुझे खुद को कुछ प्रूव करने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा इसलिए मैंने सोच लिया था उस दिन कि मुझे घर वालों की सोच बदलना है मैं अपनी डांस के साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू की लेकिन जैसे मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती थी उस टाइम पे मेरा जो छोटा सा भाई था वो बड़ा होता गया लेकिन उस टाइम पे मेरा घर का जो फिनेंशियल कंडीशन था वो नहीं था इसलिए मुझे घर वालों ने बोला कि यार बेटी तुझे अभी पढ़ाई करना बंद करना पड़ेगी क्योंकि आगे जाकर तेरा जो भाई है उसको पढ़ाई भी करना पड़ेगा क्योंकि मैं दोनों का जो खर्चा है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि पढ़ाई बंद कर दो लेकिन मेरे मम्मी ने ना मुझे कभी रोका नहीं उन्होंने बोला कि मैं तुझे कैसे भी करके तुझे पढ़ाऊंगी आगे लेके जाऊंगी तू मत रो मैं इतना रो रही थी इतना रो रही थी मैंने गिवा भी कर लिया था कि यार मैं कुछ भी नहीं कर सकती अभी तो फिर मम्मी जाके मेरे मामा से बात की घर पे बोल रही है कि यार निकी को पढ़ाई करना छोड़ना पड़ेगी क्योंकि क्योंकि कुछ फिनेंशियल कंडीशन सही नहीं था इसलिए पढ़ाई को रोकना पड़ा तो मम्मा ने बोला क्यों क्यों निक्की नहीं क्यों नहीं पढ़ेगी मैं उसको पढ़ाऊँगा फिर मेरी मामा ने मदद किया मेरी पढ़ाई करने के लिए उसके साथ साथ मैं डांस भी जारी रखा लेकिन मुझे ना अपने घर के लिए कुछ करना था थोड़ा फिनेंशियल में कुछ हाथ बटाना था इसलिए मैं सोचा कि चलो मैं कुछ कर ही लेती हूँ इसलिए मैंने किया ट्यूशन लिया स्टैंडर्ड से लेकर फिफ्थ क्लास तक तो मैंने ट्यूशन लिया उसके बाद मैंने अपने जो इंस्टीट्यूट जो था जो मैं जहाँ पे डांस सीखने जा रही थी वहीं पे मैं डांस सिखाने लगी फिर उसके बाद मैंने छोटा बड़ा प्रोग्राम किया उसके बाद थोड़ा कुछ पैसा मुझे आ जाता था आफ्टर टेंथ के बाद हायर स्टडी के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा क्योंकि जो मेरे गांव से जो कॉलेज की डिस्टेंस जो थी वो फोर्टी किलोमीटर थी इसलिए मुझे जो दिक्कत हो रही थी इसके वजह से मुझे हॉस्टल में रुकने की मैं फैसला ली कि मुझे हॉस्टल में रुकना है तो मेरे मम्मी और मेरे पापा ने बोले कि तू जब गाँव छोड़ के जाएगी ना तो गाँव बोलेंगे बहुत कुछ बोलेंगे तो फिर तू क्या करेगी मैंने बोला उसको बोलने दो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे आगे बढ़ना है तो उन उन लोगों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर जब मैं हॉस्टल में रुकने लगी गाँव वाले ने बोला अरे यार तेरे बेटी कहाँ गई किसके साथ भाग गई क्या अरे तेरे बेटी कहाँ गई किसके साथ भाग गई क्या ऐसे बोले मुझे फिर उन्होंने बोला कि यार तेरे बेटी तो बहुत कैरेक्टरलेस है यार किसके साथ बात करती रहती है किसके साथ घूमती रहती है कोई फर्क नहीं पड़ता आप दोनों को आप उसको ऐसे ही जाने दिया हम कब से बोल रहे थे कि उसका शादी करवा दो शादी करवा दो शादी करवा दो आप हमारे बात सुने नहीं अभी जो आपकी इज्जत खराब हो रही है ना आपके घर पे कोई आएगा भी नहीं इतना खराब इतना खराब वर्ड सुनने के बाद भी मैं खुद को संभाल नहीं पाया कि मैं क्या करूं मेरे पास कोई नहीं था या फिर मुझे ऐसा भी मेरे पास कोई नहीं था कि मेरे हाथ पकड़ के गाइड कर सके कि बेटी ये गलत है वो गलत है उसको मत करना इसको मत करना ये सही नहीं है ऐसा कोई नहीं था कि मुझे अच्छा गाइड कर सके मैं जो किया हूँ खुद ही किया हूँ मुझे कोई समझाने वाला कोई नहीं था तो ये सब सुनने के बाद ना मुझे बहुत बुरा लगा कि उनको पता नहीं कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ क्या नहीं फिर भी ये लोग मेरे बारे में बुरा भला कह के जाते हैं तो ये मुझे बहुत बुरा लगा तो फिर मैंने इन लोग की बात को कभी सीरियसली नहीं लिया लेकिन मैंने इग्नोर कभी नहीं किया मुझे लगा कि इन लोग की बात ना मुझे आगे लेके ही जाएगी क्योंकि इन्होंने मुझे जितना गलत बुला है ना मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती उस टाइम पर मुझे क्या फील हो रहा था तो उसके बाद ना भगवान की कृपा से मुझे एक ऑफर आया कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में डांस परफॉर्म करने के लिए लेकिन मेरे उस अपॉर्चुनिटी को मैंने कभी मिस नहीं किया फिर जाके मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जब डांस किया उसके बाद जब मैं जब अवार्ड लेके आई तब जाके उन लोग को पता चला कि मैं क्या क्या अचीव करके आई हूँ जब मैं विन करके अवार्ड लेके आई तब जाके उनको पता चला कि हाँ मैंने जो बोला था वो मैं करके दिखाया तो इसलिए मेरे फैमिली ने मुझे इतना प्राउड फील करा इतना प्राउड फील करा कि यार हम तो कभी नहीं सोचे थे कि तू इतना आगे जाएगी तो फिर तू कैसे हुआ कैसे किया अकेले हमें बता जिस दिन मुझे पापा आके पूछे कि यार मेरा तो सपना ही पूरा हो गया कि मुझे पता था कि तू डांस में अचीवमेंट कर ही लेगी जब मुझे पता चला कि मेरे गांव वाले मुझे सम्मानित करना चाहते हैं तो मैं तो बहुत खुश होगी अरे जिस गांव वाले ने मुझे इतना बुरा भला कहा आज मुझे सम्मानित करना चाहते हैं ये कैसे हो गया तो बहुत मतलब मैं बहुत डर गई थी यार ऐसा कैसे हो गया तो मैं उनको थैंक यू बोलना इसलिए चाहती हूँ उन्होंने मुझे बुरे भले नहीं किए थे तो मैं यहाँ पे नहीं होती इसलिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैं अपनी अचीवमेंट से खुश नहीं थी क्योंकि ये अचीवमेंट ना अपने गांव वालों की सोच बदलने के लिए था मैं अपने लिए कुछ करना चाहती थी तो जिस टाइम पे मैं डांस सिखाने जा रही थी या फिर डांस करने जा रही थी उस टाइम पे मेरे डांस कलीग के साथ बात करते थे सुना था कि यार शेयर मार्केट के कोई कुछ है कि यहाँ पे पैसा डबल हो सकता है फिर मुझे लगा कि यहाँ पे जो शेयर मार्केट है कुछ तो फिर ट्राई करते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है फिर पैसा कैसे डबल होता है मुझे ही पता चले कि सब बोलते थे, थे कि शेयर मार्केट में पैसा डबल होता है फिर मैं सोचने लगी चलो जितना जो मेरा सेविंग्स से, है उसको मैं थोड़ा लगा के डबल करती हूँ तो फिर मैं जिस दिन से आ, ट्रेड करने लगी उस दिन के बाद मुझे पता चला कि यार ये जो बोलते थे कि डबल होता है नहीं तो इसमें तो लॉस भी होता है मुझे किसने बताया भी नहीं कि यहाँ पे लॉस भी होता है ये तो मैं खुद करने के बाद ही मुझे पता चला कि शेयर मार्केट में लॉस भी होता है तो मेरे पास नॉलेज नहीं था तो नॉलेज के लिए मैंने यूट्यूब से डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस लेना स्टार्ट की उसके बाद मैं बहुत सारे कन्फ्यूज हो गई मुझे मुझे लगा कि यार शेयर मार्केट में गाइड करने के लिए कोई ऐसा परफेक्ट नहीं मिलेगा कि मैं आगे बढ़ चु उनको फॉलो करके क्योंकि मैं सारे बंदे को फॉलो कर रही थी इसने ये बोल दिया तो मैंने वो कर लिया उसने वो बोल दिया तो मैंने वो कर लिया तो मुझे ना बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे लगा कि ना जिंदगी में जैसे गाइड करने के लिए फादर मदर रहते हैं तो शेयर मार्केट में गाइड करने के लिए कोई तो मेंटर तो होना चाहिए ना तो मैं अपनी लाइफ में किसी को मेंटर बनना चाहती थी लेकिन मुझे किसी को बातों को समझने में, में या फिर अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी मैं कैसे करूँ क्या करूँ लेकिन मैं एक सार से मिली थी उन्होंने मुझे बताया था कि मार्केट को कैसे ऑब्जर्व करें मार्केट को किस नज़रिए से देखें आगे जाके कैसे प्रेडिक्ट करें कैसे उसको ऑब्जर्व करके हम कैसे ट्रेड करें वो मुझे सिखाए थे तो फिर जो स्टार्टिंग से मैं लॉस करके आ रही थी उसके बाद मैं थोड़ा प्रॉफिट करने लगी तो मुझे पहले पहले दिक्कत हो रहा था उस जो मैं स्टार्टिंग से जो मेरा जर्नी था मतलब ट्रेड करने का जो जर्नी था मैंने स्टार्टिंग की थी एटी थाउजेंड से जो मैंने दो या तीन दिन में गवा दिया उसके बाद मुझे लगा यार मैंने तो नॉलेज तो ले लिया अभी मेरे पास पैसा नहीं है मैं कहाँ से ले कर आऊँ फिर मैंने अपनी मम्मी को जाके बोला क्योंकि मैं अपनी हर एक प्रॉब्लम ना मैं अपनी मम्मी के ही साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मेरा मम्मी ही मेरा दोस्त है मेरा मम्मी ही मेरा सब कुछ है क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था क्योंकि आजकल को जैसा जो है ना मेरे घर वाले बोले थे यार शेयर मार्केट जुआ है इसमें कुछ नहीं होता है ये पैसा बनाने के लायक नहीं तुझे करना है तो जैसे कि तू तो अभी डांस में अपना प्रोफेशन बना ली तो कुछ पढ़ के लिख के कुछ बन जाए ना शेयर मार्केट के बीच में क्यों घुस रही है शेयर मार्केट बहुत गंदी चीज़ है तो इसके अंदर मत घुस तो फिर कोई मुझे सपोर्ट नहीं किया लेकिन मेरे मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया उन्होंने बोला कि तुझे करना है ना तू कर तो मेरे पास तो पैसा नहीं है क्योंकि मेरा मम्मी तो एक हाउस है तो उन्होंने बोला कि मैं अपना तुझे नेकलेस दे रही हूँ उसको बेच के जितना पैसा आगा तो लेके आके तू अपना जर्नी स्टार्ट कर ले तो मम्मी का नेकलेस बेच के मैं पैसा लेके आ गई लेकिन उसके बाद मेरा तो अंदर तो डर ही था फिर शायद बाद में फिर लॉस नहीं हो जाएगा तो फिर इतना तो मेरे पास पैसा है फिर इसको मैं गवा दूँगी तो मेरे पास बचेगा नहीं तो फिर मैं कैसे करूँगी आगे तक पढ़ाई कैसे करूँगी कैसे घर को मैनेज करूंगी क्योंकि घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा मेरे ऊपर है तो फिर कैसे मैनेज करूंगी वो मैं ज्यादा सोच सोच के कन्फ्यूजन हो रही थी लेकिन जिस दिन मेरे सार से मुलाक़ात हुई उन्होंने जैसे मुझे समझाया कि मार्केट में इस तरीके से काम करने से इस तरीके से काम करने से पैसा बनता है तो फिर मैंने खुद को सोचा जब मैं खुद सीख के आई थी जो क्लासेस लेने के टाइम में जो मैंने सीखा था प्राइजेस टेक्निकल एनालिसिस जो इंडिकेटर यूज करना वगैरह वगैरह जो मैं सीख के आई थी और सर से मिलने के बाद जो मेरा नज़रिया था स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग जो मेरा नजरिया रहा वो ज्यादा बेटर रहा क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छे से तरीके से समझाया कि मार्केट में कैसे काम करना है उन्होंने मुझे बताया था कि कभी भी अब अपने पी एन एल पे फोकस नहीं करना है हमेशा अपनी चार्ट पे फोकस करना है क्योंकि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में फोकस करोगे ना तो आप कभी प्रॉफिट को भी होल्ड नहीं कर पाओगे या फिर अपनी टारगेट तक कभी भी पहुंच नहीं पाओगे इसलिए हमेशा फोकस कर अपनी चार्ट पे आप जब चार्ट पे फोकस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपका चार्ट सही है या फिर गलत है आप जब पी एन एल पर फोकस करोगे तो आपके अंदर ना बस घबराहट सी होगी यार मेरे इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है अभी इतना प्रॉफिट हो रहा है लॉस को तो आप होल्ड कर लोगे लेकिन प्रॉफिट को जब होगा तब देख के भाग जाओगे फिर

मनी बन सकता है क्योंकि आपके पास पैसेंस नहीं होगा वेट नहीं करोगे फिर आके तुक्का मार लोगे तो फिर कैसे बनेगा आपके पैसा नहीं बनेगा ना पैसा तो आपको वेट करना पड़ेगा प्रॉफिट सेटअप के लिए जो आपके स्ट्रैटेजी होगा तो वेट करो ना इतना तुक्का मारने की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं लॉस को होल्ड करते हैं लेकिन मेरे गुरु ने मुझे यह सिखाया कि लस को कटना सीखो उसके बाद जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो फिर मैं ये उनका जो बात था ना मुझे यहाँ से इतना तक टच की मेरे हाथ तक कि उन्होंने एक सही चीजें बोले कि लश को हमेशा कटना सीखो क्योंकि आपके हाथ में वो है कितना प्रॉफिट होगा कितना हो कितना लॉस होगा वो आपके हाथ में नहीं है लेकिन कितना लॉस होगा वो आपके हाथ में जाते जाते मैं ये बोलना चाहती हूँ मेरा जो मेंटर है पंकज सर ने उन्होंने एक बात सिखाई थी मुझे कि कामयाबी का मतलब ये नहीं कि आप रीज बनो मतलब यह होता है कि आप विद्या को सही से इस्तेमाल करो इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें